जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सिफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे। हाँ दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन की जो डेट लाइन है वो 2024 और 2025 के कुंभ के मेले की शुरुआत से पहले पहले ये एक्सप्रेसवे आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगी। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक घोषणा और कर दी है इस एक्सप्रेसवे को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये गंगा एक्सप्रेसवे है इसके निकट उद्योग कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है क्योंकि मेरठ से प्रयागराज तक इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है 594 किलोमीटर रखी गई है और इसके अंतर्गत 12 जिलों को शामिल किया गया है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण जिले हैं जिनसे ये एक्सप्रेसवे होकर गुजर रहा है और 12 के 12 जिलों को भी उद्योग कॉरिडोर में शामिल किया गया है। और मैं आपको महत्वपूर्ण बात और बता दूं, जो एक्सप्रेसवे NH 334 बिजोली से ये स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले छोर से 15 किलोमीटर के अंतर्गत उद्योग कॉरिडोर बसाया जाएगा और लास्ट का जो प्रयागराज में जो छोर है उसके निकट भी उद्योग कॉरिडोर बसाया जाएगा। और इसके साथ साथ तो ज्यादा उद्योग तो है लेकिन जो बीच का जो एरिया है, जो जिले पड़ रहे हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। इनके निकट भी दोनों तरफ 500 मीटर के अंतर्गत जमीन को अधिग्रहण कर उद्योग कॉरिडोर बनाया जाएगा। हाँ दोस्तों, जिस प्रकार 2020 मतलब उद्योग यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया गया और जिस प्रकार देश विदेश के जितने भी उद्योगपति हैं वो लखनऊ के अंदर शामिल हुए और उन्होंने अपना प्रस्ताव और इस उत्तर प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में बदलने के लिए अपना अपना उन्होंने जो जिस फील्ड का जो उद्योग है, चाहे आपका टेक्सटाइल पार्क हो या फार्मेसी हो या आपका कॉलेज हो या आपका केमिकल फैक्ट्री हो या अन्य प्रकार का जितना भी उद्योग है, कपड़ा है, लघु उद्योग है, जितना भी है, सब ने अपनी अपनी तरफ से जो उद्योग के लिए जमीन के लिए प्रस्ताव देकर उसको पास कर दिया गया है। और अब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को इसका आदेश दे दिया है और बहुत ही जल्द, मैं आपको डेडलाइन बता देता हूं कि अक्टूबर तक इस गंगा एक्सप्रेसवे के निकट दोनों तरफ उद्योग कॉरिडोर के लिए भूमि की जो आवश्यकता है वो चिन्हित कर वो सरकार ले लेगी और उसके बाद उद्योगपतियों को इस जमीन को दे देगी और कुछ उद्योगपति इस पर उद्योग लगाएंगे और सरकार भी अपने मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट वगैरह वो भी सरकार भी अपने निजी खोलेंगे। तो दोस्तों, ये जो है 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस पर उद्योग गलियारा बनाया जा रहा है। तो जितने किसानों की इस एक्सप्रेसवे में जमीन जा चुकी है उनके लिए तो खुशी खुशी की बात है, लेकिन जो अन्य लोग हैं उनके लिए भी, जो किसान भाई हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी उद्योग यहाँ पर लगेंगे और जितने भी यहाँ पर नौजवान बेरोजगार नौजवान हैं उनको भी यहाँ पर नौकरियां उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस एक्सप्रेसवे के निकट उद्योग लगाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है और अक्टूबर तक इसको लास्ट कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।